हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर में वेलकम है। तो गाइस, बहुत सारे मैसेज आए कि सर इस पे टेक्स्ट बनाइए और इसका नोट्स बताइए। जो तो फंजाई क्या है, स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइक्रोलॉजी भी कहते हैं। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है एरोबिक इन नेचर। एरोबिक मींस कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि फंजाई जो होता है नेचर में ऑक्सीजन कंटेन करता है, एक्सेप्ट सम ईस्ट, कुछ ईस्ट को छोड़कर। और ये फंजाई, सेकेंड पॉइंट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंड में ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सेक्सुअली एसेक्सुअली बोथ रिप्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो फंजाई है एनर्जी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। तो क्लासिफिकेशन है फंजाई का मॉर्फोलॉजी की बेस पे, ईस्ट, ईस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड्स, डाइमॉर्फिक फंजाई। अब आते हैं ईस्ट पे। तो ईस्ट क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 32 to 37 डिग्री सेल्सियस, यानी मीन्स ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रो करता है 32 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। और ये राउंड होता है, ओवल होता है। और ये इथेनॉल का, इसका काम क्या है, वर्क क्या है, इथेनॉल प्रोडक्शन, बेकरी इंडस्ट्री, और एग्जांपल में सैक्रोमाइसिस है और क्रिप्टोकोकस है। और ये जो ईस्ट होता है ये सेक्सुअली एसेक्सुअली बोथ रिप्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड है ईस्ट लाइक फंजाई। ईस्ट लाइक फंजाई में जो ये ईस्ट लाइक फंजाई है, फंजाई जो ईस्ट जैसा है, वो इलांगेटेड सेल होता है, स्यूडो हाइफी कहते हैं। और एग्जांपल में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स भी है। और इसमें कैंडिडा एब्लिकेंस जो होता है वो हमेशा मदर सेल से अटैच होता है। ईस्ट लाइक फंजाई में एस्कोमास्टिस, एस्कस मीन्स होता है सैक, तो एस्कोमास्टिस जो होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये ईस्ट लाइक फंजाई भी होता है स्यूडो हाइफी, ईस्ट लाइक फंजाई में स्यूडो हाइफी भी होता है। अब आते हैं थर्ड है मोल्ड, फ्लेसी फंजाई। जो फ्लेसी फंजाई है स्मॉल पोर्स, छोटे पोर्स होते हैं उसमें, इससे उसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों होता है। और इसका एग्जांपल है एस्परजिलस निगर और पेनिसिनियम नोटेटम। तो ये एग्जांपल है दो। और फिलामेंटस फंजाई होता है, मोल्ड्स फिलामेंटस फंजाई होता है। ये मतलब फिलामेंट होता है, मतलब लॉन्ग फिलामेंट होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, इसके पास कई आइडेंटिकल न्यूक्लियाई होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड एंटीपायरेटिक्स। मोल्ड्स का काम क्या, काम क्या है, वर्क क्या है, एंजाइम्स का और एंटीपायरेटिक्स का प्रोडक्शन करना। और ये मोल्ड्स एरोबिक होता है, एनारोबिक, एरोबिक होता है यानी कि कंटेनिंग ऑक्सीजन, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्रो करता है। अब आते हैं डाइमॉर्फिक फंजाई पे। तो डाइमॉर्फिक फंजाई जो होता है एट 37 डिग्री ग्रो एट ईस्ट लाइक ग्रोथ। जो डाइमॉर्फिक फंजाई होता है 37 डिग्री पे ईस्ट लाइक मॉर्फ ग्रोथ होने लगता है। और 25 पे ये जो है होता है मोल्ड जैसा होने लगता है। तो ग्रोथ इसकी कैसी है, जैसे मोल्ड ईस्ट दोनों होती है। एग्जाम्पल में माइकोरोक्सी, हिस्टोप्लाज्म, कैप्सुलेटम।